कितने ऊंट परचेज किए हैं? माशाल्लाह 3 किए हैं। लंबी स्किन की बीमारी आई है, लोगों का जो रुझान है वो ऊंटों की तरफ ज्यादा हो गया। ये जोड़ा सेल करना है? हाँ। क्या डिमांड करता है इसकी? हूं तीकर किन्ने सेल करने हैं? बाकी 8 बच गए। 8 बच गया तो किन्ने दिन तो मंडी से मौजूद थे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वसीम साजद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर। तो आप चेक कर सकते हैं मंडी के अंदर इस दफ़ा 7000 जो ऊँट है वो आया हुआ है। पिछली दफ़ा जो ऊँटों की एंट्री थी वो तकरीबन 10000 की थी, लेकिन इस दफ़ा जो ऊँटों की एंट्री हुई है शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर वो तकरीबन 7000 ऊँटों की हुई है। उसमें से सेल भी हो चुके हैं और कुछ और ऊँट भी आ रहे हैं, उनकी वैसे वैसे जो एंट्री हैं वो हो रही हैं। तो हम इधर मंडी के अंदर मौजूद हैं, हम जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे और जो सेल करने वाले हजरात हैं उनसे भी इनके रेट लेंगे और वज़न के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मुख्तलिफ जानवरों की जो वीडियोज़ हैं वो बनाते रहते हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपने बछड़ा कट्टा और गाय वगैरह परचेज़ करनी है तो उसके हवाले से भी मुकम्मल जो तरीक़ाकार है वो हमने अपलोड किया हुआ है। कल जब मैं इस मंडी के अंदर आया तो एक चीज़ का तजर्बा हुआ कि दोस्तों ने बताया कि अगर आपने कुर्बानी के लिए ऊँट परचेज़ करना है तो आप रेगिस्तानी जो ऊँट हैं वो परचेज़ करें। रेगिस्तानी जो ऊँट होते हैं ये वैसे भी खाने में लजीज होते हैं, इनका गोश्त अच्छा होता है, उसके अलावा ये फरबे होते हैं यानी कि मोटे ताज़े होते हैं, और रेट के हवाले से भी जो सिंधी जानवर हैं सिंधी ऊँट हैं उनसे थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं। तो आप जब भी मंडी में आएँ तो आप कोशिश करें जो रेगिस्तानी जानवर हैं रेगिस्तानी जानवर परचेज़ करें। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल, ये कौन सी मंडी है? ये शाहपुर कांजरा। शाहपुर कांजरा। तो आपने कितने ऊँट परचेज़ किए हैं? माशाल्लाह 3 किए हैं। 3 किए हैं। अच्छा, इस जो ऊँट की हम डिटेल लेंगे आपसे, एक दफ़ा मैं दोस्तों को ऊँट दिखा दूँ तो फिर मैं आपसे पूछूँगा कि भाई ने कितना रेट आपसे मांगा था, उसके बाद ये सौदा कितने में फाइनल हुआ है। तो दोस्तों पहले ये ऊँट चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत हेल्थी और एक्टिव जो ऊँट है इन्होंने परचेज किया है, और ये छिग्गा होगा आई थिंक, बाकी डिटेल हम भाई से लेते हैं। अच्छा भाई, कितने की डिमांड की थी इन्होंने? इन्होंने 6.5 लाख। 6.5 लाख की। और ये सौदा फाइनल कितने में हुआ है? ये फाइनल हुआ 4.5 लाख। 4.5 लाख, यानी कि 2 लाख रुपए इन्होंने इजाफी मांगा था, 4.5 लाख में फाइनल हो गया है। ये चौगा है या छिग्गा जानवर? ये चौगा। चौगा जानवर है। और कितना वजन आपने आइडिया लगाया इसका? वो कह रहे 3 मन हो। 3 मन नहीं भैया, ये हो जाएगा तकरीबन 10 मन के करीब। नहीं नहीं, उन्होंने 3 मन नहीं कहा। 3 मन? हाँ। नहीं आप भूल गए हैं, चले कितना भी इसका ही निकलना है। हाँ ये तो है। पसंद है आपको? जी माशाल्लाह पसंद। तो बाकी जो 2 ऊँट हैं वो किधर है? वो घर पे। वो घर पहुंच गए। कहाँ से हैं आप? ये हम इछड़े से। इछड़ा से हैं, माशाल्लाह। भाई ने ये ऊँट परचेज किया है 4.5 लाख रुपए में। भाई को आइडिया नहीं है कि इसका वजन कितना है। भाई कह रहे हैं कि इसका वजन जो 3 मन है, तो 3 मन तो नहीं ना हो सकता, इतना बड़ा ऊँट है। तो माशाल्लाह 4.5 लाख रुपए में ये सौदा फाइनल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया आपका नाम क्या है? हाकम अली। हाकम अली, आप कहाँ से आए हैं? रहीम यार खान से। ये जो ऊँट आपके पीछे खड़ा हुआ है आप इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए। ये 2 दांत है 4 दांत है? 4 दांत है। 4 दांत है। और इसका वजन है कितना होगा? 8 मन होगा। 8 मन। और 3.5 लाख डिमांड कर रहे हैं, फाइनल सौदा कितने में हो सकता है? 10-20 कम हो सकता है। 10-20 हज़ार रुपये कम हो सकता है। और ये जो सामने वाला ऊँट है इसकी एवरेज क्या कीमत होगी? 3 लाख। इसकी 3 लाख रुपए और इसकी 3.5 लाख रुपए। नाजरीन चेक कर सकते हैं आप, बेहतरीन ऊँट है। भाई से नंबर लेते हैं, अगर आप शाहपुर कांजरा मंडी पहुँच सकते हैं तो इनके साथ फ़ोन पर रबता करके आप इन जानवरों को चेक कर सकते हैं। भैया अपना फ़ोन नंबर बताना। 0304-7062-161। 7062-161। तो ऐ ऊँट भी अपना ही? हाँ हाँ, ये 22 भाई। अच्छा,
इनकी की डिमांड कर रहे हो? जी 2,80,000। 2,80,000 रुपए ते चार दान ते दो दान? दो दान। दो दान ते और इनका जरा वजन है अंदाजन कितना होएगा? वजन इनका होएगा ना 14 मन दे एड़ गेड़ दे हो सके। 14 मन दे एड़ गेड़ होएगा ते गोश्त कितना निकल आएगा? तो आप इन लगा ला 7 मन निकल आएगा? 6 मन निकल आएगा। कैसे हैं? रहीम यार से। रहीम यार खान से। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमें रेगिस्तानी ऊंट खरीदने चाहिए, जो सिंधी ऊंट है। हाँ, उन ऊंटों में और इन ऊंटों में फर्क होता है? फर्क होता है। तो वो क्या फर्क होता है? फर्क होता है ना, जगह रोही वाला होता है ना, वो लंबा होता है मड़े चा। ब्याज जगह अपने लगे था होता है, रहीम यार का देसी होता है, गोल गोल और देसी होता है, तो बड़ा होता है। हाँ, और खुराक का भी फर्क होता है। खुराक का ही फर्क होता है। तो आपको जो ऊंटनी है वो भी चेक करवाते हैं अभी इधर से, जो ऊंटनी का रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अच्छा दोस्तों, ये आपको ऊँटनियाँ चेक करवाते हैं, कुर्बानी के लिए बहुत बेहतरीन ये ऊँटनियाँ हैं। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो नंबर आपके साथ शेयर करते हैं, आप रब्ता करके शाहपुर कांजरा मंडी पहुंच सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऊँटनियाँ चाचा? हाँ हाँ हाँ। ते चारे दोंदियाँ? दोंदियाँ दोंदियाँ। ते चारे बेचनियाँ? चारे बेचनियाँ। ते की रेट मांग रहे हो इन्हों का? ऐ जड़ी ऐ ऊँटनी हैगी है, इनका की रेट मांगते हो? हाँ जी 2,50,000 रुपया। तो इस ऊँटनी का 2,00,000 रुपए। तो उधर तीसरे नंबर वाली? तीसरी नंबर वाली। हाँ, 1,80,000 दे दे। 1,80,000 रुपया इनका भी? 1,80,000। तो फाइनल सौदा कितों तिकर हो सकता है, किन्नी रियायत तुम कर सकते हो? रियायत कर लवेंगे जे आ गया। दोस्तों, इधर आपको जो मजीद ऊँट है वो भी चेक करवाते हैं। साई बेचना है? जी हाँ। की डिमांड कर दो इनकी? 3,70,000 रुपया। दोंदा चौगा? दोंदा दोंदा। दोंदा सिंधी है या रेगिस्तानी? ये सही मड़ेचा है। मड़ेचा है जी, ये मड़ेचा ऊँट है सर। और 3,50,000 रुपए इनकी डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, सामने एक और ऊँट खड़ा होया, इनकी भी डिटेल लेने तो थोड़े नाल शेयर करते हैं। काफ़ी उच्चा ऊँट है और सेहतमंद। चाचा जी यारां नाल गल कर लें। हाँ चाचा, किन्ने पैसे मांगते हो इन्हें? हाँ, किन्ने पैसे मांगते हो? 3,00,000 रुपए। 3,00,000। ते देना किन्ने दे? हाँ, देना किन्ने दे? बेचना किन्ने दे? अच्छा, मादी है, ऊँटनी है? तो ऊँटनी का 3,00,000 ज्यादा है? 3,00,000 का ही? 3 व्यापार हो गया, 10,000 या 5,000 हो गया, यानी कि 10,000-5,000 की गुंजाइश निकलती है। हाँ। दोस्तों, ये अंकल ने बताया कि 3,00,000 रुपए डिमांड की है और 10-15,000 रुपए गुंजाइश निकल सकती है। दोस्तों, जब से लंपी स्किन की बीमारी आई है, लोगों का जो रुझान है वो ऊँटों की तरफ ज़्यादा हो गया है, और जिसकी वजह से जो रेट हैं वो भी बढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, ये जोड़ा सेल कर रहे हैं? हाँ। क्या डिमांड करता है इसकी? 6,20,000। 6,20,000 रुपए। दोनों दोंदे हैं, चौगे हैं? दोनों दोंदे। तो कितना कितना वजन होगा इनका? एक होगा 6-7 मन। 6-7 मन गोश्त का? अच्छा, इसका 7 मन? इसका 10 मन हो जाएगा। इसका 10 मन जिंदा का या गोश्त का? जिंदा का। जिंदा का 10 मन। और इसका? इसका 7 मन। इसका 7 मन। और कितने पैसे मांगे आपने जोड़े के? 6,20,000। 6,20,000 रुपए। अगर कोई एक एक करके खरीदे तो फिर आप कितने में देंगे? दे दूंगा 2,80,80 के। 2,80,80 के। और अगर जोड़ी कोई ले के जाए तो फिर फाइनल कितने में देंगे आप? दे दूंगा 5,80,000। 5,80,000 रुपए में आप दे देंगे। आपका फ़ोन नंबर क्या है? 0306। आगे? 15 14 64। 978। और ये कौन सी मंडी है? शाहपुर कांजरा मंडी जी। तो दोस्तों, इस भाई के पास भी ये ऊँट मौजूद है, अगर आपको पसंद है तो आप मंडी में आकर इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये ऊँट परचेज कर सकते हैं। हम भी साई बेचना है? की डिमांड कर दो इनकी? 4,00,000 रुपया। तो फाइनल दे कि नहीं दोगे? 4,00,000 फाइनल। इनू है कि गिल्टी बनी हुई?
अगर जेड़े दोस्त बच्चा करना चाहते हैं अगर वो थोड़ा जहा खर्चा होर कर लैन तो ऊंट वाला भी शौक है जोड़ा वो पूरा कर सकते हैं। 1,60,000, 1,70,000, 2,00,000 की रेंज के जोड़े ऊंट ने वो मंडी के मौजूद है। लोग जो डिमांड वो बहुत ज़्यादा करते हैं, ऊंट का तकरीबन 1,50,000 का फर्क रख के लोग रेट मांगते हैं। लेकिन अगर तुम खरीदना चाहो तो इन चीज़ों जेन च रख के तुम खरीदो तो तुम जो ऊंट ने वो चंगे बन जाते। उम्मीद करते हैं नाजरीन तुम्हें साड़ी आज की वीडियो चंगी लगी होगी। वीडियो चंगी लगे तो वीडियो में लाइक कर दिया जी, चैनल में सबसक्राइब कर दिया जी। मिलने अगली वीडियो उदों तक, अल्लाह हाफिज़।